हेलो एवरीवन, आज ये चार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये एक कनाडा बेस्ड पर्सन का चार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस चार्ट से इनकी वाइफ पे क्या दिखा रहा और इनकी फ्यूचर में कैसा लाइफ दिखा रहा। चलिए अब इस चार्ट के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लगन में क्या क्या कोई देख रहा है और क्या कुछ असर पड़ रहा है। तो लगन यहाँ पे दो नंबर यानी वीनस की लगन है, ये शुक्र प्रधान है। ये शुक्र लगन के स्वामी शुक्र जो है वो आके मृत्यु तुल्य कष्ट में बैठे हुए, ये थोड़ा सा सही नहीं है। ऐसे केस में इनको अपने शुक्र को हमेशा स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा, उपाय करना होगा शुक्र का और ये करते रहना होगा, ठीक है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि है, गुरु यहाँ से सातवें फिर आठवें फिर नौवें घर पे, यानी गुरु देख रहा, ये बहुत अच्छी बात हो गई। लग्न पे गुरु को देखना, ऐसे में बंदे धार्मिक हो जाते हैं, रिलीजियस हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट या कह लीजिए बिलीव तभी होता है जब गुरु देखते हो, या गुरु की दृष्टि हो, या गुरु खुद यहाँ पे भी हो तो भी ऐसा होता है, ठीक है। इस केस में जानने वाले भी हो जाते हैं बंदे, एस्ट्रोलॉजी की समझ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब आएंगे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर के घर में तीन नंबर लिखा है जो बुध की राशि है, ये अच्छी बात होती है। बुध का यहाँ होना अच्छा होता है क्योंकि बोलने में सबसे अच्छे बुध को ही माना गया है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे सूर्य और शुक्र की भी दृष्टि दिख रही है, ये भी अच्छा माना जाता है। बातचीत करने के लिए शुक्र का भी अच्छा माना गया है, शुक्र हो गए बुध हो गए, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य थोड़ा सा बातों को काट कर रखते हैं अपनी, जैसे राहु का नेचर है वैसा ही सूर्य का नेचर है, थोड़ा सा ईगो के साथ अपनी बातें रख लेते हैं ये लोग, ठीक है। बट ओवरऑल ये बहुत अच्छी संपन्न घर कह सकते हैं इसको, अच्छा दिखा रहा। फिर तीसरे घर में सबसे अच्छा प्लेनेट राहु को माना गया है और राहु खुद है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके चार्ट में ये भी एक बड़ा बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ पे सबसे अच्छा ग्रह ही राहु को माना जाता है, राहु खुद बैठे हुए हैं और वहाँ पे इनको मंगल बुध और केतु की दृष्टि है। तो मंगल बुध और केतु इस घर के लिए, मंगल बहुत अच्छे होते हैं, राहु अच्छे होते हैं, इनकी दृष्टि है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग यहाँ देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये भी एक अच्छा रिस्पांस दे दिया, यानी कि ये बहादुर होंगे, ठीक है। और उसके पास मंगल भी वही बहादुरी ही बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर भाइयों की देखी जाए तो यहाँ से भाई भी देखा जाता है, हालाँकि राहु के होने की वजह से बहुत अच्छा मधुर संबंध नहीं दिखाएगा। उसके बाद देखेंगे चौथा घर पाँचवा नंबर। तो चौथे घर से यहाँ प्रॉपर्टी देखी जाती है, पांचवा यानी सूर्य की प्रॉपर्टी, अच्छी बात हो गई। सूर्य प्रॉपर्टी कारक भी होते हैं यहाँ के लिए, सबसे मकान के लिए सबसे अच्छे माने गए हैं मंगल। तो मंगल यहाँ से सातवीं दृष्टि यहाँ देख रहा है, फिर एक आठवीं दृष्टि हो गई। तो मंगल की यहाँ दृष्टि भी है, देखिए मंगल की दृष्टि भी है यहाँ से, एक दो तीन चार पाँच छ फिर सात और फिर आठ, ये हो गई मंगल की दृष्टि। तो यहाँ मंगल भी हैं, यहाँ सूर्य भी हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत दिखा रहा कि ये अपने प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी बना लिया, चलो इन्होंने बताया भी कि इन्होंने प्रॉपर्टी बना लिया है और मंगल के अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, सूर्य भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सूर्य जो जाके यहाँ बैठ गए हैं, बस एक यही थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होती है, ये घर अच्छा नहीं माना जाता है, ये घर अच्छा नहीं माना जाता है और ये घर अच्छा नहीं माना जाता है और ये घर भी उतना अच्छा नहीं माना गया है, स्पेशली ये चारों घर अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ बैठना थोड़ा सा सही नहीं है, बाकी ओवरऑल अच्छा है। इनकी मम्मी की बात करें तो पाँच नंबर यानी थोड़ी सी ईगोइस्ट होंगी इनकी मम्मी, है ना, थोड़े से गुस्से दिखाएंगे ईगो की वजह से, ठीक है। ये एक डिमेरिट दिखा रहा है इनकी मम्मा का, क्या कोई और ग्रह देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है,
अच्छी बात है ये। फिर और कोई देख रहा है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि, कोई नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ये प्यार वाले घर में। देखिए, गुरु का यहाँ होना, शनि का यहाँ होना, ठीक है, अच्छी बात है। ये शनि थोड़ा बढ़ा भी दे, मतलब गुरु के साथ क्या होता है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव इसको बना देते हैं, मतलब प्यार आएगा लेकिन ख़राब प्यार ना आए, ये भी केसेस होते हैं गुरु के चांस में, ठीक है। ऐसे जिनके यहाँ गुरु होते हैं उनके लाइफ में एक ही लव आएगा, लेकिन सही आएगा, रुकेगा, स्टे करेगा, चला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल केस में गुरु की यही रिज़ल्ट होती है यहाँ पे। बट शनि के केस में क्या होता है, शनि यहाँ पे थोड़ा ख़राब रिज़ल्ट देते हैं। पहले तो जल्दी आने दे देते, फिर आएंगे तो कई सारे लाएंगे, ठीक है, शनि, और अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। जब शनि गुरु साथ में होंगे तो जो बंदा होगा वो एक तो चांसेज होता है इंटरकास्ट का, मतलब रिलीजन से भी बाहर जा सकते हैं शनि, ठीक है, और बंदे का बहुत अच्छे होने के चांसेस कम कर देते हैं शनि, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 7 नंबर, इनकी ये बीमारी का घर है, शुक्र है, शुक्र जो लगन के स्वामी है, लगन के स्वामी है और बीमारी के घर में भी बैठे, इनको थोड़ा सा अपनी बीमारी उमारी से बच के रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इनके लगन का स्वामी, इनके बीमारी के घर का स्वामी, इनके मृत्यु तुल्य कष्ट में बैठा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इनको सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात करें वाइफ़ की, तो 8 नंबर लिखा है जो कि इनकी तेज वाइफ दिखा रहा, 8 नंबर यानी का मतलब कि गुस्से वाली, ठीक है, ये गुस्से वाली है। फिर शनि दिख रहा, शनि की तीसरी दृष्टि दिख रही है यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छा बात नहीं है। फिर राहु है यहाँ पे, राहु से 1, 2, 3, 4 और 5, राहु की 5वीं दृष्टि भी है, तो शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, ये सही नहीं है, ठीक है, ये इस केस में ये चलती नहीं है शादी, ठीक है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि फिर राहु भी, तो ये पसंद नहीं आता इनको, ओके। तो इस चीज़ के लिए ख्याल रखेंगे, और अगर रिश्ता चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो इनका उपाय टाइम पे कर लेंगे, ठीक है, शनि और राहु का। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस चार्ट में दिख रही होगी कि 10 नंबर शनि वो कहाँ पे हैं, इस घर में। 6 नंबर कौन है, बुध, कहाँ पे हैं, यहाँ पे। यानी ये राशि परिवर्तन हो गया, ये एक बहुत अच्छा योग है कि आप 6 नंबर के घर के स्वामी इस घर में आ जा रहे हैं और इस घर के स्वामी इस घर में चले जा रहे हैं, एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लिए, तो अब इस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब इनके लाइफ में प्यार आएगी, अक्सर आएगा, अब इनके इशू नहीं है, दिखा रहा है ये चीज़ क्लियरली, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा योग बना रहा, या यहाँ से भाग्य को राहु भी देख रहे हैं, राहु झटके झटके में चीज़ें देते हैं, ठीक है, लॉटरी लग जाना राहु का ही होता है, ठीक है। शनि यहाँ से अगर, सॉरी यहाँ देख रहे हैं शनि, शनि और बुध का हेर फेर हुआ है यहाँ पे, इसको राशि का परिवर्तन करना कहते हैं, राशि परिवर्तन योग कहते हैं, ये बहुत अच्छा योग माना गया, यही इनके लाइफ में बहुत चीज़ें दे देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिएगा कि जो इनका शुक्र है, अगर ये स्ट्रांग हो गया रहता तो ये बहुत अच्छी कुंडली रहती, बस इनको एक डिमेरिट दे दिया है कि शुक्र आके मृत्यु तुल्य कष्ट में बैठ गया है, ठीक है। ओवरऑल ये कुंडली बहुत अच्छी मानी जाएगी इस योग की वजह से, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी, और इनको खुद को ह्रास हो रहा यहाँ से, दोनों के जो स्वामी है वो पास आ गया, और शुक्र का पीड़ित होना यानी कि शादी के बाद परिवर्तन दिखाता है, ठीक है। शादी के बाद रिश्ते ख़राब होना या सेक्स में मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ें दिखाता है शुक्र, ठीक है। सेक्स में मन नहीं लगना सिर्फ शादी के बाद ही, और अगर बिल्कुल ही मन नहीं लगता है तो फिर बुध देखते हो। यहाँ से अब देखेंगे मंगल, बुध, केतु, ये जो एक योग है ये अच्छा योग नहीं माना जाता है। मंगल के साथ केतु, ये भी झटके झटके में गुस्सा देता है, ठीक है, और अच्छा योग नहीं माना गया है चार्ट में। मंगल के साथ केतु
अंकारक योग है, ये साइको किलर्स में भी होते हैं ऐसे, ठीक है। अब मंगल के साथ केतु, इसने भाग्य भाव में बना दिया है ये योग, ठीक है। और इस बुध ने अपना काम कर दिया है राशि परिवर्तन से, और शनि ने भी राशि परिवर्तन लिया है, इस वजह से ये बैलेंस ले लिया इन लोगों ने, इन दोनों घर का, बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए भाग्य अच्छा निकल के आएगा इनका, ठीक है। बस ये मंगल के साथ केतु जो है यहाँ पे, ये एक्सट्रीम गुस्सा देने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सडनली एक्सट्रीम गुस्सा, अगर ये एक्टिव होंगे तो आपको फील हो जाएगा कि आप कुछ ना कुछ क्राइम रिलेटेड थिंकिंग या काम कर चुके होंगे, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मार देना, ठीक है। ये सब मंगल के साथ केतु हो तो हो जाता है, ठीक है। दसवें घर में चंद्रमा है, ठीक है। दसवें घर में चंद्रमा यानी इनके पापा के घर में चंद्रमा, इनके पापा एक शांत इंसान रहे हैं, अब जातक ने कहा कि इनके पापा नहीं हैं, ठीक है। देखिए कमी ऐसा होता है कि चार्ट में ये पता ना चले कि पापा इनके नहीं हैं, ठीक है। ये मंगल केतु का योग, पापा को इन दोनों घर से देखा जाता है, ठीक है। ये पापा के ना होने की रीज़न, ठीक है। ये मम्मी और ये मम्मी की रीज़न, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये योग बनना ही बस एक थोड़ा अच्छा बात नहीं है, इसी वजह से इनके पापा को भी नुकसान हुआ है, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब गुरु यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये गुरु की खुद की स्वामी है, लक्ष्मी के घर को देख रहे हैं ये यहाँ से, तो लक्ष्मी के लिए भी ठीक है, ये पैसे भी कमाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर का जो होता है कि पैसा स्टोर होगा कि नहीं, तो बुध का घर है और बुध खुद देख रहा है, ये भी एक अच्छा चीज़ है। केतु की वजह से एक तड़प बनेगी, इनका पैसा कहीं निकल के जाएगा, वो इनको बुरा लगेगा क्योंकि केतु तड़प देते हैं, सॉरी केतु नहीं देख रहे, हाँ नहीं देख रहे, सॉरी, ओके सॉरी, चैट में एक चीज़ गड़बड़ बता दी हमने। ये सातवां घर यानी यहाँ होता है, सॉरी, तो ये नंबर है बुध का और ये आके बैठे भाग्य में, ठीक है, ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। ओवरऑल ये देख नहीं रहे हैं, सॉरी, ठीक है, और बाकी ठीक है। और ये विदेश भाव का स्वामी है जो आके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। इसका रिज़ल्ट भी इन्होंने देख लिया है, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर मंगल है, मंगल आके खुद भाग्य भाव में बैठा है, इसीलिए मंगल ने अपना रिज़ल्ट दिया है, तो भाग्य पे मंगल का सबसे ज़्यादा असर है क्योंकि इनकी रिज़ल्ट दिख रही है, ठीक है, मंगल का 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि भी है, मंगल का राशि भी है और मंगल यहाँ भाग्य में है, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दिया है। फिर यहाँ आ गया इनका मंगल की सातवीं दृष्टि, फिर आ गया मंगल की आठवीं दृष्टि, ठीक है। मम्मी इनकी एग्रेसिव हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है, पांचवा नंबर की राशि भी है, दोनों के इसमें इनको एग्रेसिव बना देता है, ठीक है। और मंगल ने इनको विदेश से संपर्क भी दिला दिया है। अब देखिए, अब इनके बारे में हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन था, क्या क्या क्वेरी था, तो सबसे पहले क्वेरी था कि इनको कोर्ट केस झेलना पड़ेगा कि नहीं झेलना पड़ेगा, चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए जो एक डिमेरिट है इस चार्ट का, ये, ठीक है, फिर उसके बाद एक डिमेरिट है शनि का यहाँ देखना और राहु का यहाँ देखना, ये घर प्रॉब्लम से भी जाना जाता है, इसको प्रॉब्लम भी कहा जाता है इस घर को, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ख़राब योग इस कुंडली में बन रहा है, तो इनको उपाय भी इसी चीज़ की करनी है, पहले शनि और राहु के उपाय ज़रूरी है ये, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लगन को टाइट करना, बढ़िया करना, क्योंकि कोई भी उपाय काम नहीं करता अगर लगन ही मजबूत ना हो, ठीक है, तो इन्होंने लगन का यहाँ मजबूत करना इनको बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद से राहु को ये मजबूत करेंगे और शनि को मजबूत करेंगे, ये ज़रूरी है। फिर गुरु का 1 2 3 4 5 भाग्य में दृष्टि, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। फिर 6 फिर 7 फिर 8, है ना, फिर 9 लगन पे दृष्टि हो गई,
ओवरऑल गुरु तो इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। और गुरु ने ही काफ़ी कुछ संभाला भी है, ये अच्छी बात है इनकी। तो इनको अभी अभी किसका किसका प्रॉब्लम है, किसको किसको सॉल्व करना है, इनको राहु करना है, शनि करना है, ठीक है, और शुक्र करना है, ये करते रहना है क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सूर्य का यहाँ हो जाना ये भी ख़राब है, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। सूर्य को सही करने की ज़रूरत है, सूर्य को, शुक्र को, शनि को, राहु को, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी के घर के मालिक हैं जो आके यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। अब इसके अलावा और कुछ जो भी पूछना हो आप हमें चैट में यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट बॉक्स में। और ओवरऑल ये कुंडली काफ़ी सही है और आप इस कनेक्शन की वजह से लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, बस एक आपको इसको सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, ये दोनों यहाँ के बैठे हैं, इसलिए इनको शुक्र को और सूर्य का आप ज़रूर से पाठ करेंगे। देखिए सूर्य और शुक्र दोनों ही केस में, शुक्र के लिए हम लोग माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, सूर्य के लिए हम लोग राम जी की पूजा करते हैं, ठीक है। इनकी बीज मंत्र पढ़िए, शुक्र का बीज मंत्र पढ़िए और सूर्य का बीज मंत्र पढ़िए, ठीक है, ये दोनों आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। और रत्न ही धारण करिएगा शुक्र का, क्योंकि शुक्र का एक राशि यहाँ है, शुक्र यहाँ खुद है, बस आपका लगन का स्वामी, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए आप रत्न धारण करने को कई लोग कहेंगे, लेकिन अभी आप पहनना नहीं उसको, ठीक है। थोड़ा सा पहले शुक्र को ठीक करिए, उसके बाद देखा जाएगा, इसको हम चेक कर लेंगे आगे, ठीक है। ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और हम आप लोगों के लिए वीडियो आगे भी बनाएंगे जिनका कमेंट होगा। थैंक यू।